नमस्कार मित्रों, एईपीएस संचालक के लिए बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वैसे में दो बड़े अपडेट निकल के आ रही हैं आधार निकासी के ऊपर। यदि आप भी आधार निकासी का काम करते हैं तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि जब भी कोई नया अपडेट होगा ना तो सबसे पहले आपको तेज जानकारी मिलेगा। इसलिए आप चैनल को बहुत सारा सब्सक्राइब करके रखे होंगे, लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एईपीएस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा चैनल इजी केस पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए जानते हैं दो बड़े अपडेट के बारे में। एईपीएस पर आधार निकासी का काम यदि आप भी करते हैं तो आपको इंपॉर्टेंट अपडेट को जान लेना चाहिए, नहीं तो हो सकती है आईडी ब्लॉक, क्योंकि आईडी ब्लॉक हो भी रहे हैं, आप जान भी रहे होंगे। आपको बता दें दो ट्रांजैक्शन, दो तरह के ट्रांजैक्शन आपको कभी भी गलती से नहीं करना है। तो पहला अपडेट क्या है बताता हूं। पहला अपडेट, जब भी कोई कस्टमर का ट्रांजैक्शन करते हैं तो वैसे में आपको रिपीटेड ट्रांजैक्शन नहीं करना है। मतलब अगर किसी कारण से मान लीजिए फेलियर हो रहे हैं या फिर लिमिट के वजह से हो रहा हो या फिर ग्राहकों का फिंगर मैच नहीं करने के कारण हो रहा हो, अगर आप 10 से 12 बार 15 बार ऐसा ट्राई बिल्कुल भी ना करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो सस्पेक्टेड माना जाएगा और वैसे में आपकी आईडी हो सकती है ब्लॉक। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो आपको सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है वो ये है, अगर एक ही कस्टमर का अलग अलग बैंक डाल के आप कभी भी ट्राई करते हैं तो उसको भी सस्पेक्टेड माना जाता है। तो ये दो बातों का आप बिल्कुल ही ध्यान रखें, नहीं तो आपकी आईडी हो सकती है ब्लॉक, क्योंकि अभी बैंक खुद मॉनिटरिंग कर रहा है ट्रांजेक्शन आपके, और आपके अगर एक ही कस्टमर का अलग अलग बैंक डालते हैं या फिर एक ही कस्टमर का बहुत बार ट्राई करते हैं तो वैसे में हो रही है समस्या। तो इस बातों का आप ध्यान जरूर रखिएगा यदि आईडी यूज करना है नियंत्रण आगे तक।